देखे भाई कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। भाई काट ना लेना तू मुझे कहीं। ये भी अपनी आंखें खोल रहा है देखे माशाल्लाह। ये ना मेरे हाथों से खाना चाह रहा है। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी डक्स ने ना चार चार अंडे दिए हैं। हाँ भाई कबूतरों क्या हाल। ओए होए इसको देखे यार क्या हो गया। ये वाला जो मदन का मेल है ना ये भी दोस्तों आ गया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों यार सुबह सुबह ही आज मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है और माशाल्लाह से यार व्यू चेक करें हमारे विलेज का, बहुत ही प्यारा व्यू हुआ हुआ है। और हमारी केटल्स देखें, बछड़े जो हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और बाकी की केटल्स यार अभी तक अंदर हैं। और अभी तक यार दोस्तों काम वाले लड़के भी नहीं आए। जैसे ही वो आएंगे ना तो सबसे पहले यार हमारी केटल्स को चारा लगाएंगे और हमारे बछड़ों को चारा लगाएंगे और उसके बाद यार वो बाकी काम करेंगे। मैंने ना यार आज सुबह ही सुबह व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। तो यार अभी सबसे पहले हमारे राजा और रानी को खोलते हैं ताकि वो भी यार ये सुबह वाला माहौल जो है ना वो एंजॉय कर सकें। सुबह वाला जो सीन है ना यार ये हमारे राजा और रानी एंजॉय कर सकें। जल्दी से दोस्तों चलते हैं हमारे राजा और रानी को खोलते हैं। और यार ये सीन चेक करें आप माशाल्लाह कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ना ये केले का बाग जो है दोस्तों। देखें फुल ग्रीन हुआ हुआ है और सुबह ही सुबह का टाइम है तो अभी देखें यार कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। तो यार अभी जल्दी से हमारे राजा और रानी को खोल देते हैं ताकि ये भी भाई इंजॉय कर ले सुबह वाला सीन। चलो भाई राजा चलो 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 बाहर चलो। देखें दोस्तों अभी तक यहाँ पे अंधेरा है और राजा और रानी अभी उठे भी नहीं है। चलो भाई राजा बाहर चलो, बाहर सुबह हो गई है। और ये रही भाई रानी। रानी जी चलो बाहर यार सुबह हो गई है बाहर। देखें दोस्तों जैसे ही यार मैंने इनको ना खोला, हमारी रानी की जो आदत है आप सबको पता ही है, रानी जो है वो यहाँ पे आ गई हुई है। हाँ भाई रानी साहेबा आ गई तुम अपनी जगह पे। दोस्तों अब ना ये यहाँ से छलांग लगाएगी और डायरेक्ट वहां पे कूद जाएगी। देखें भाई माशाल्लाह। चलो भाई जाओ जाओ जाओ। ये देखें दोस्तों, ये देखें राजा भाई इंटेलिजेंट है, ये जंप नहीं करता दोस्तों वहां से। राजा भाई ये देखें सीढ़ियों से जाता है नीचे। और यार अब हमारे पेरेट्स को देते हैं दाना। ये देखें सारे वेट में खड़े हुए हैं। ये वाले मेल जो है ये बाहर खड़े हुए हैं। और यार फीमेल को आप चेक करें, इसकी भी फीमेल देखें बॉक्स के हॉल पे खड़ी हुई है। और इसकी भी फीमेल चेक करें, वो भी देखें वेट में खड़ी हुई है कि कब भाई हमें दाना लगता है और मैं बाहर निकलूं। दोस्तों इसके ना बच्चे भी हैं, वो भी चेक कर लेते हैं हम, पहले इनको दाना दे देते हैं। ये देखें सनकुनी और भी आए हुए हैं दाने के वेट में। देखें दोस्तों यार ये ना मेरे हाथों से खाना चाह रहा है और देखें कैसे मुझसे ना ये प्यार कर रहा है, डांसिंग कर रहा है मुझसे ना अपना प्यार ये शेयर कर रहा है। ले लो भाई ले लो ले लो। चलो भाई माशाल्लाह ले लो भाई ले लो ले लो। देखें दोस्तों यार ये अपने खाने वाले बर्तन पे बैठा हुआ है फिर भी वहां से नहीं खा रहा है, ये मेरे हाथों से खाना चाह रहा है। देखें यार माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। देखें भाई अपने खाने वाले बर्तन पे बैठा हुआ है दोस्तों लेकिन वहां से नहीं खा रहा है, ये ना मेरे हाथों से खाना चाह रहा है। और इसको देख के ना ये वाला जो मदन का मेल है ना ये भी दोस्तों आ गया हुआ है। देखें यार सारे पेरेंट्स कितने मेरे साथ अटैच्ड हैं, इनको मैंने वहां पे दाना दिया हुआ है लेकिन फिर भी भाई ये बोल रहे हैं कि हमें ना तुम्हारे हाथों से खाना है। चलो भाई ले लो ले लो ले लो। यार कितना प्यार करते हैं ना ये मुझसे। चलो भाई ले लो ले लो ले लो। सनकोनी और तुम भी ले लो। और मॉस्टेज मदन भाई तुम भी ले लो, खा लो भाई मेरे हाथों से, काट ना लेना कहीं मुझे बस। चलो ये लो खा लो तुम भी। दोस्तों अब यार इनको पानी देना है लेकिन उससे पहले ये वाला जो पेयर है ना दोस्तों इसको भाई लगाना है मुझे बॉक्स। ये देखें इसका बॉक्स दोस्तों मैंने हटा लिया था क्योंकि हमारे जो डरबियान वाले पेरेट्स है ना ये रहे भाई। ये जो पेरेट्स है ना दोस्तों इसके अंडे भाई हो गए थे इनफर्टाइल तो मैंने ना इसको काम में ले लिया। ये जो पेरेट्स है ना काफी एक्सपेंसिव है दोस्तों, इसके अंडे मैंने हटा के इसको दे दिए और इसका बॉक्स मैंने हटा दिया ताकि ये ना अपने सेकंड क्लच के लिए तैयार हो जाए, रेडी हो जाए। एक दिन मैं इसका बॉक्स हटाता हूँ दोस्तों, आपको पता है जैसे कि मैंने इसका बॉक्स हटाया था और कुछ ही दिनों बाद दोस्तों ये ना सेकंड क्लच के आ गया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका बॉक्स भी मैंने कल हटा दिया था और आज दोस्तों इसका बॉक्स लगाना है हमने। इन्हें चेक करें दोस्तों कितना प्यार से मेरी बातें सुन रहे हैं, तीनों इकट्ठा हो गए हैं और देखें भाई कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। भाई काट ना लेना तू मुझे कहीं। ये देखें दोस्तों ये भी मुझसे ना खाना मांग रहे हैं। सबको दोस्तों मैंने इनको खाना दिया हुआ है लेकिन फिर भी ये ना मुझसे मांगने आ गए हैं क्योंकि इन्होंने देखा था ना जब मैं मदन को और सनकोनी और को खिला रहा था तो इनका भी दिल कह रहा है चलो भाई तुम्हें भी मैं खिला दूंगा कोई टेंशन ना लो।
पहले तुम अपना ये वाला खाना खत्म करो, फिर मैं तुम्हें खिलाऊंगा। और इस भाई साहब के नखरे देखें भाई, एक टांग पे खड़ा हुआ है, ये देखें लटका हुआ है। इनकी आदत है ना दोस्तों, मैंने पहले भी आपको दिखाया था, माशाल्लाह यार बहुत ही प्यारे होते हैं। और देखें भाई, इनकी फीमेलें जो है ना वो खा पी के भाई अपने बॉक्स के अंदर चली गई है। और ये देखें, ये वाला मेल जो है ना दोस्तों, देखें फीमेल को फीडिंग करवा रहा है, और ये फीमेल को फीडिंग करवाएगा, और फीमेल जो है ना दोस्तों ये जाके अपने बच्चों को फीड करवाएगी। चलो भाई, इसके बच्चे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, माशाल्लाह काफी बड़े हो गए हैं। ये देखें, अभी फीमेल बाहर है बॉक्स से, और देखें दोस्तों ये ना आंखें भी खोलने वाले हैं। देखें इसने ना थोड़ी थोड़ी सी अपनी आंखें खोली है, और ये देखें ये भी अपनी आंखें खोल रहा है, देखें माशाल्लाह। और दोस्तों इनका ना एक बच्चा मैंने लव बर्ड को दिया था, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये डर्बियन के अंडे हैं, ये मैं हटा देता हूँ, और इनका बॉक्स जो है वो मैं अभी लगा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलें जी। फाइनली दोस्तों इनका बॉक्स भी अभी मैंने लगा लिया है, और अब ये यार सेकंड क्लच के लिए रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। और यार इस लवबर्ड्स को ना मैंने बच्चे दिए हुए थे, एक रिंगनेक का बच्चा दिया हुआ था, और कल ना दोस्तों इसको एक ना मॉस्टेज का बच्चा भी दिया है मैंने। ये देखें यार, देखें इसको अभी तक नहीं खिलाया, क्योंकि यार इनको मैंने दाना ये अभी दिया है, और ये सारे पैरेट्स उठे भी अभी हैं। देखें अभी सबके पोटे में थोड़ा थोड़ा सा दाना पड़ा हुआ है। और ये एक बच्चा दोस्तों लबर्ट्स का है, बाकी ये वाले दो बच्चे हैं ना इनमें से एक रिंगनेक का है, क्लियर टेल जो एक्सपेंसिव मैं कहता हूँ उसका है, और एक जो है वो हमारे मदन का है, जो मॉस्टेज है ना उनका है। माशाल्लाह से हेल्दी है, सारे एक्टिव हैं, देखिए कितनी ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। और अब यार हमारे कबूतरों को भी दाना दे देते हैं। हाँ भाई कबूतरों, क्या हाल? ओए होए, इसको देखिए यार क्या हो गया यार, कौन सा वाला है ये? ओए ये तो बुड्ढा फेस है दोस्तों। ओए होए, ये देखिए यार, मुझे ना लगता है कि इसको ना किसी ने मारा है। ये देखें, ओए होए यार, ये देखें इसको, यहाँ पे भी दोस्तों चोटें लगी हुई है, और यहाँ पे देखें मुंह के पास भी इसको चोटें लगी हुई हैं। ओए सारे कबूतर देखें बाहर चले गए, उसका तो कोई मसला नहीं, लेकिन यार इसको क्या हुआ है? ये कल शाम तक भी दोस्तों में आया था तो ये बिल्कुल ठीक था, और देखें ऐसे कोई बीमारी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ये बिल्कुल ओके था, सिक भी नहीं है इसको। ओए होए, कल यार दोस्तों आपने देखा था कि इसकी फीमेल कल नहीं परसों मर गई थी, और कल यहाँ पे सब ओके था, मैं ना यार खुश हो रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ओके है। और अब यार मैं हाथ वॉश करके आता हूँ, और फिर हमारे कबूतरों को ना दाना दे देता हूँ। ये देखें यार, इनके पास अभी दाना भी पड़ा हुआ था। ये देखें यार, कबूतर सारे बाहर आ गए हुए हैं, इनके पास अंदर खाना पड़ा भी हुआ था, लेकिन फिर भी ये बाहर आए हैं, और यहाँ पे देखें मट्टी खा रहे हैं। दोस्तों मुझे ना लग रहा है कि इनका बाहर खाना खाने को दिल कर रहा है। ये देखें, जैसे ही मैंने ना इनको दाना डाला, सारे देखें कैसे आ गए हैं। वाह यार, चलो भाई थोड़ा सा दाना दोस्तों इनको यहाँ पे दे देते हैं अभी, और बाकी इनके रूम में रख देते हैं। और दोस्तों इसे देखें, ये भी सुस्त हुआ हुआ है। हाँ भाई क्या हुआ तुम्हें? दोस्तों एक ना हमारा बुड्ढा फेस वाला मेल एक्सपायर हो गया है, और ये देखें ये भी सुस्त लग रही है मुझे, ये फीमेल है शायद। और इसे देखें दोस्तों, यार इनको ना किसी ने मारा। ओए देखें यार कितनी ज्यादा चोटें आई हुई हैं इसको भी। यार बुड्ढा फेस ये बिल्कुल छोटे से है ना, तो बाकी सारे कबूतर मुझे ना लग रहा है कि मिलके इनको मारते हैं। ये देखें, एक वाइट वाला तो एक्सपायर ही हो गया, और ये भी सुस्त हुआ हुआ है। दोस्तों इसको ना मैं ब्रोफेन अभी दे देता हूँ, और बुड्ढा फेस के जितने भी पीस है ना, देखें दो वहां पे खड़े हुए हैं और एक ये रहा, इन सबको ना मैं अलग यार यहाँ पे हमारे फार्म में शिफ्ट कर देता हूँ। और भाई मोटू जी क्या हाल चाल है भाई, दिखाओ तो सही थोड़ा अपने बच्चे, हम भी देख लें। ओए होए माशाल्लाह दोस्तों, देखें यार इन्होंने ना फुल फीड कराया हुआ है अपने बच्चों को। ये देखें, इसका भी देखें पोता भरा हुआ है, और इसका भी देखें क्रॉप फुल हुआ हुआ है। माशाल्लाह भाई मोटू जी ने ना फुल अपना बच्चों को फीड कराया हुआ है। चलो भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई तुम। और अब भाई मिल्किंग टाइम है, देखें दोस्तों काम वाले लड़के आ गए हैं, और इन्होंने ना यार सारी केटल्स को चारा लगा दिया है। ये देखें, ये छोटू भी खा रहा है, और बाकी सारी हमारी केटल्स भी खा रही हैं। ये देखें भैंस भी खा रही है, और अब ना यार हमारी भैंस में से दूध निकालेंगे हम। सबसे पहले तो दोस्तों इसके थन साफ करते हैं हम, आप सबको पता ही है। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भैंस को सबसे पहले लगता है भाई चारा, और उसके बाद भाई हम हमारी भैंस में से दूध निकालते हैं।
तो इसी वजह से यार आज हो गई है थोड़ी सी लेट भाई वालों को, और मैंने हमारे सारे बर्ड्स को भाई दाना पानी भी कर लिया है, और अब यार हमारी भैंस में से दूध निकाल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों देखिए दूध मैंने निकाल लिया है, और अब यार हमारी भैंस ना दूध कम करती जा रही है, क्योंकि दोस्तों ये ना प्रेग्नेंट है। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें ना ऐसे लग रहा है कि ये प्रेग्नेंट है, क्योंकि दूध कम करती जा रही है, और इसको अब चेक करवाएंगे हम। और अब दोस्तों हमारी यहाँ वाली केटल्स को चारा लगा रहे हैं भाई वाले, देखें ये अभी उठा के और इस वाली केटल्स को लगाएंगे। वहाँ उस बड़े वाली केटल्स को तो यार इन्होंने चारा लगा लिया है, और अब ये जो केटल्स है ना देखें इनको इधर शिफ्ट किया है, और ये चारा वहाँ उस बाड़े में लगाएंगे, और उसके बाद हमारे सारी केटल्स को वहाँ शिफ्ट करेंगे। और अब यार हमारी डकी गेंग को खोल लेते हैं, देखें यार ये चिल्ला जा रही है। यार सुबह होते ही ना इनका चिल्लाना स्टार्ट हो जाता है कि भाई हमें बाहर निकालो, और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ये देखें यहाँ पे दो दो अंडे पड़े हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जाओ बाहर आ जाओ आ जाओ जाओ दोस्तों, पहले ये निकल जाए, नहीं तो ये ना फुटबॉल खेलने लगते हैं अपने अंडों के साथ। और ये देखें यहाँ पे भाई दो अंडे पड़े हुए हैं, एक इधर पड़ा हुआ है और एक उधर पड़ा हुआ है, और ये भी देखें बाहर निकलने की तैयारी में लग गई है। इसने ना अपने अंडों को छुपाना चाहा, लेकिन ये जल्दी जल्दी में छुपा नहीं पाई और निकल गई बाहर। और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों इस मुर्गी को देखें ये फाइनली कुड़क हो चुकी है। मैंने ना कहा था ना दोस्तों आपसे कि ये ना कुड़क हो जाएगी इंशाल्लाह, इसको जबरदस्ती हमने अंडों पर बिठाया था, और अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये फुल्ली कुड़क हो चुकी है। हाँ भाई क्यों 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 आ जाओ बाहर, ये देखें यार ये ना बहुत ही ज्यादा डर गया हुआ है, क्योंकि इसके साथ जितने भी इसके बहन भाई थे ना वो सारे मर गए, और ये बेचारा देखें बच गया। और अल्हम्दुलिल्लाह यार ये एक ही एक्टिव था, शुरू से लेके एक्टिव था, और इसको अभी छोड़ देते हैं हम यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे ना हमें नेस्टिंग मटेरियल रखना होगा और भी ज्यादा, क्योंकि देखें ये बिल्कुल नीचे से ढकने ना खाली कर दिया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों देखें आज ना फ्लाइंग डक ने भी अंडा दिया हुआ है, और दोस्तों ये वाला अंडा भी मुझे ना चेंज लग रहा है, इसको भी यार चेक कर लेते हैं। ये देखें इसका ना कलर भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, और मुझे ना लग रहा है दोस्तों कि इस नेस्ट में भी अभी दो अंडे हैं। यार इनको गिन लेते हैं फिर पता चल जाएगा, ये हमारे पास 13 अंडे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखें दोस्तों फाइनली यहाँ पे भी देखें इस नेस्ट में भी दो अंडे मिले हैं आज मुझे डक्स के, और वहां उस नेस्ट में भी दो अंडे मिले थे यार। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी डक्स ने ना चार चार अंडे दिए हैं, देखें दो उस केज में पड़े हुए थे और दो इस केज में पड़े हुए थे। ये देखें यहाँ पे घूम फिर रही है, मस्तियां मार रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह यार आज ना इन्होंने चार अंडे दिए हैं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।